उसकी होगी। मेरा निवेदन है उधर से गाना बंद कर दीजिए। हम सब भोपाल में प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त हो रहा है और हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके बगल में सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं। तो ताबड़तोड़ रैलियों का दौर भी चल रहा है। आज राजस्थान का भी दौरा है और दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव होने, इसी के मद्देनजर सभी तैयारियां तेज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले में अग्रणी हर बार की तरह दिखाई दे रही है। अभी 2 महीने का वक्त बचा है लेकिन अभी से रैलियों का रेला शुरू हो गया है। तो 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं यहाँ पर जुटे हैं और ये पूरा पंडाल जो है देखिए तैयार किया गया है। और उससे पहले जब कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे कुछ देर आप देख रहे हैं गाड़ी से प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनावी मैदान में अब जो गाना भी चल रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं है और इसी को लेकर निशाना भी साधा जा रहा है बीजेपी पर। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, दौरों पे दौरा उनका चल रहा है और इस वक्त वो रोड शो करते हुए जोरदार नारा लगाएंगे सब लोग, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का भी औपचारिक समापन होना है और लेकिन इससे पहले ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज वो भोपाल में लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश का वो दौरा कर रहे हैं, सौगातों के साथ कई बार वो पहुंचते हैं। 14 सितंबर को भी पहुंचे थे बीना में जब 50,700 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 12 अगस्त को सागर पहुंचे थे 4,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला के साथ। वहीं लगातार प्रधानमंत्री 1 जुलाई शहडोल जब पहुंचे, अलग अलग समुदायों से उनकी मुलाकात भी हो रही है, सौगातों के साथ पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। 27 जून को भोपाल पहुंचे थे जब वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, 5 उसकी संख्या थी। और अभी भी देखिए आप उत्साह कार्यकर्ताओं का हाई है जब उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 24 अप्रैल को भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला उस वक्त प्रधानमंत्री ने रखा था। लेकिन आज मेगा रैली है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश ये बीजेपी की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हुए 10 लाख कार्यकर्ता जुटने वाले। हिमांशु भाई सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज का क्या कार्यक्रम है डिटेल में बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचे हैं अब भोपाल के जम्बूरी मैदान में और यहां पर जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं का ये समापन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है उस पर आज भोपाल में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ये पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां मध्य प्रदेश का दौरा है और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का क्रेज है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि चेहरा जो है विधानसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनको 2023 के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो मिलेगा। और इसीलिए 230 विधानसभा वाले सीटों के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 107 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस को 115 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 18 महीने तक जो है गठजोड़ की सरकार चलाई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में जनवरी में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनके समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसके बाद तब से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि संगठनात्मक दृष्टि से भी कि अगर एक सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को अगर आगे करके जाएंगे तो पार्टी को फायदा मिलेगा। और इसीलिए आज जमहूरी विधानसभा
सभा स्थल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं जो जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन के बाद जो है आयोजित की जा रही है, क्योंकि पांच जो है यात्राएं निकली थी अलग अलग क्षेत्रों से और उनका समापन जो है वो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। लेकिन हिमांशु देखिए, क्योंकि अब बड़ा सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही थीम सॉन्ग भी है, प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जान फूंकने की कोशिश कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है शिवराज सिंह को। वो कह रही है कि बताइए पहले ऐसे मुख्यमंत्री ये होंगे जो मुख्यमंत्री तो है लेकिन आगे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, बीएस बम्बई वहां के मुख्यमंत्री थे लेकिन ये। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रवीश पाल सिंह जहां पर रैली हो रही है वहीं पर मौजूद हैं। रवीश, ये जो भीड़ एकत्रित की जाती है दरअसल कई बातों की ओर इशारा करती है, लेकिन हमने देखा है इतिहास रहा है शिवराज सिंह चौहान का कि कई बार वोट तो मिलते हैं लेकिन सीट तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? देखिए अर्पित, आपको बता दूं कि ये जो भीड़ है दरअसल ये एक तरीके का संकेत है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करने आए थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि एमपी में भारतीय जनता पार्टी या फिर देश में कहीं जीतती है तो उसके पीछे बड़े चेहरे नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रही हैं और अब तक अगर देखा जाए तो उन्होंने पिछले 6 महीनों में 7 अलग अलग बड़ी सभाएं की है तो उसके जरिए उन्होंने 94 विधानसभाओं को तो कवर कर लिया, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा सभी 230 विधानसभा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाना चाहती है और इसीलिए सभी 230 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, लिहाजा ये महाकुंभ है और इसलिए लाखों कार्यकर्ताओं की ये भीड़ आपको दिख रही है। दूसरी बात जो आपने की कि जो विनिंग सीट जो है वहां तक भाजपा नहीं, तो आपको बता दें कि एमपी में 20 सालों का इतिहास अगर देखें तो उन 20 सालों में से 18 साल भाजपा की सरकार रही है, 18.5 साल, और वो इसीलिए क्योंकि एमपी में बड़ी संख्या में ना केवल भाजपा बल्कि भाजपा का जो संगठन है वो यहाँ पे चुनाव लड़ता है और संगठन जब चुनाव लड़ता है तो क्योंकि हर बूथ पे भाजपा बड़ी मजबूत है इसलिए यहाँ पे बूथ के तहत कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री। आज का दिन भी इसी चुनावी टारगेट के नाम है और इसलिए वहां पर मेगा रैली करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।